ग्रीटिंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 मैथ्स. ओके, चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स. हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ओके, 1, 2, 3, 4 ये क्या हैं? ये हमारे नंबर्स हैं. ओके, दोज नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1. जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. ओके, एंड दोज नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 0. जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट है कंपेयरिंग नंबर्स. हम नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, उनके कुछ ट्रिक्स भी हैं. स्मॉल स्मॉल जो नंबर हैं, मैं पहले उन ट्रिक्स को बताना चाहूँगा. लाइक 45 लेते हैं. हेयर इज 1. ओके, तो हेयर इज, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 एंड 2. यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1. तो नेचुरली 45 नंबर इज ग्रेटर. ओके, नेक्स्ट है 94 एंड 90. इस केस में क्या करना आपने? फर्स्ट डिजिट्स देखो क्या है, 9. हेयर 9. दोनों जगह पे क्या है? सेम है. अब इसका, इसके लिए क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर पे आएंगे. नेक्स्ट नंबर क्या है? 4. हेयर इज 0. तो 4 और 0 में कौन सा ग्रेटर है? 4. तो 94 नंबर आर ग्रेटर. टेक मोर एग्जांपल लाइक 1, 2, 12 एंड 20. ओके, कंपेयर. फर्स्ट वर्ड हम कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग में. हेयर इज 1, हेयर इज 2. तो 1 एंड 2 में कौन सा ग्रेटर है? 2 नेचुरली. सो 20 इज अ ग्रेटर नंबर. आप देखो सम नंबर, कुछ नंबर गिवन है, 92, 392, 4456 एंड 89742. इनमें देखो आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है. अब देखो इस, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 3, 2. यहाँ पे कितने? 3. यहाँ पे 4. यहाँ पे 5. तो नेचुरली कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? ये नंबर ग्रेटर. आई एम द ग्रेटेस्ट. तो ये नंबर ग्रेटेस्ट है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, अब हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले हम राइट करते हैं वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैख, फिर 10 लैख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़. ओके, ये हमारे इंडियन सिस्टम में होता है. अब डिजिट्स राइट करते हैं सम, लाइक 4, 5, 6, 2, 8, 1, 2, 9, 1. अब देखो ये 4 कौन से डिजिट्स पे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़ और 10 करोड़. अब देखो ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे जो करोड़ वाली डिजिट्स हैं उन दोनों को एक साथ बोलेंगे हम, जैसे 19 करोड़. फिर लैक्स वाली डिजिट्स को एक साथ बोलेंगे 89 लैक्स. ओके, फिर इन डिजिट्स को एक साथ बोलेंगे 63,000. ओके, 432 ऐसे. अब नेक्स्ट जो डिजिट्स है हम बोलते हैं, अब जैसे इसको क्या बोलेंगे ध्यान से देखो, 19,21,82,654. ओके, अब नेक्स्ट कोमाज कैसे लगाते हैं हम? फर्स्ट में जो करोड़ की डिजिट्स है उनको हम अलग निकाल देते हैं, टू डिजिट्स. उसके बाद हम लगाते हैं जो करोड़ की आगे वाले डिजिट्स है उनको अलग से लेते हैं हम, टू डिजिट्स जो पेयर बना देते हैं. जैसे लैक्स, 10 लैक्स और लैक्स का पेयर बना देते हैं, और 1000 और 10,000 का पेयर बना देते हैं, और 100, टेंस और वंस का हम पेयर बना देते हैं. ओके, ऐसे रहेगी. अब फिर अगेन मैं एक बार दोबारा बताना चाहूँगा, इंटरनेशनल सिस्टम
फर्स्ट पे आएगा वंस, फिर हमारा टेंस, फिर आएगा हंड्रेड, फिर आएगा थाउजेंड, फिर आएगा टेन थाउजेंड, फिर यहाँ पे आएगा लैक, फिर टेन लैक, फिर करोड़, फिर टेन करोड़। ओके, अब नंबर हम राइट करते हैं, 5, 3, 2, 1, 8, 9, 7, 6, 4। ओके, अब इनको देखते हैं, पेयर बनाते हैं इनका। करोड़ में देखो, 10 करोड़ और करोड़ का पेयर बनाएंगे, कोमाज लगाएंगे। ओके, फिर लाख और 10 लाख का, 10 लाख का और लाख का पेयर बनाएंगे। ओके, फिर थाउजेंड और 10,000 का पेयर बनाएंगे, फिर इन तीनों का पेयर बनाएंगे। ये हमारे इंडियन सिस्टम में जो कोमाज लगाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ओके, जैसे अभी हम कोई डिजिट्स राइट करते हैं, कोई भी डिजिट्स है, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, अगर आपको इसको पता करना है, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, तो इसको क्या बोलेंगे, 43,56,789। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, वो लास्ट के जो 4-5 डिजिट्स है वो सेम होते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। ओके, ये हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, अब राइट करते हैं हम, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 4, 1, 2, 2, 1। ओके, अब देखो, हमारे इंडियन सिस्टम में हमने पेयर बनाया था 2-2 का, लास्ट में क्या था, 3 का पेयर बनाया था हमने। ओके, लास्ट में हमने पेयर बनाया था 3 का। अब हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 का पेयर होता है। जैसे हम बिलियंस का पेयर बनाएंगे, उसके बाद कोमाज लगाएंगे, उसके बाद मिलियन का बनाएंगे, फिर कोमाज लगाएंगे, फिर थाउजेंड का कोमा, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000 का 3 का पेयर बनाएंगे, फिर कोमाज लगाएंगे। ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 के पेयर हम बनाते हैं कोमाज के लिए। ओके, अब नेक्स्ट मैं डिजिट्स राइट करता हूं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन। ओके, हम ऐसे हमने राइट करना है, ये था हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। ओके।
ओके नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके अब फर्स्ट है ए पार्ट 1 लाख। अब ध्यान से देखिए 1,10,000। ओके तो इसको नंबर्स में राइट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 हो गए 10,000। अब 1 लाख राइट नंबर्स में, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 एंड लाख। ओके अब सिंपल सा कंपेयर करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है लाख, यहाँ पे क्या है थाउजेंड, हाउ मैनी जीरोस देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 लाख के इक्वल आ जाए, जो ये 10,000 है 1 लाख के इक्वल आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 10, एक और जीरो काउंट करनी है हमें 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4। ओके तो हम क्या यहाँ पे राइट करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे ये जो डिजिट्स है ये 1 लाख के इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से, क्या 10 या क्या आएगा 10, अगर 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिजिट्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 लाख के। सो सिंपल। ओके बी पार्ट देखेंगे, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। अब राइट करेंगे वंस, देखो ये हमारा ऊपर वाला इंडियन सिस्टम में था और ये हमारा क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में है। ओके वंस टेंस हंड्रेड फिर थाउजेंड फिर 10,000 फिर 100,000। ओके अब नेक्स्ट ये डिजिट्स को हम नंबर्स में राइट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड ओके थाउजेंड 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन। अब डिफरेंस देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि जो ये डिजिट्स है वो इस डिजिट्स के इक्वल हो जाए। सो सिंपल सेम 10। अब इनको 10 से हाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट्स किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। अब सी पार्ट है 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। ये सेम है, वंस टेंस नंबर्स में राइट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 10,000 के बाद लैक 10 लाख फिर क्या है 1 करोड़। ओके नेक्स्ट 10 लाख को हम राइट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 फिर लैक फिर 10 लाख यहाँ पे 10 लाख। ओके वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 फिर लैक फिर 10 लाख। इसमें देखो कितनी जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द डिजिट्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 करोड़ के इक्वल आ जाए। सो सिंपल 10। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 जीरो और ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट है डी, नेक्स्ट पे आते हैं डी पार्ट पे, सेम 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। ओके
अब नेक्स्ट है, देखो नंबर्स में राइट करो जल्दी, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, फिर लैक के बाद 10 लैक, फिर करोड़, फिर देखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर लैक, फिर 10 लैक, फिर करोड़। ओके, अब यहाँ पे मिलियंस को राइट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। आप देखो इसमें काउंट करो जीरो जल्दी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 की वो कमी है ना, यहाँ पे कितना लेस है, 10। तो इसमें इस डिजिट्स में किससे मल्टीप्लाई करें, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या राइट करें कि ये डिजिट्स इसके इक्वल हो जाए, तो सो सिंपल 10। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 काउंट होके ये मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में देखो हम देखते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैख। ओके, सो सिंपल। अब सेम नंबर्स में राइट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन। अब देखो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन। अब नेक्स्ट वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लैक। वंस, टेंस, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, फिर लैक। ओके, अब देखो जल्दी से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे क्या राइट करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें हम इस डिजिट्स में कि ये डिजिट्स इस डिजिट्स के इक्वल हो जाए। ओके, इक्वल हो जाए, तो सो सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6 है तो वही सेम 10। तो हम क्या राइट करेंगे, 10। ओके, होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। ये हमारा था क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट है। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, आपको नंबर्स में राइट करना है। ओके, पार्ट ए, आप देखो इसमें राइट है आपकी बुक में 73 लाख 75,307। तो आप जल्दी से आप राइट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, नेक्स्ट लैख, फिर 10 लैख। ओके, अब जल्दी से इसमें फील करो, 73 लैख, तो 77 इसके नीचे आ जाएगा, 3 इसके नीचे लैख के नीचे आएगा, 7 10 लैख के नीचे आएगा। ओके, फिर 1000 में देखो 75,000, 7 इसके नीचे आएगा, 5,000 के 75,000। फिर नेक्स्ट है 75,300, नेक्स्ट है 7, टेंस को मिस कर दिया उन्होंने, तो उसकी जगह पे क्या आएगा, 0, 7। ओके, अब देखो 73 लाख 75,307। अब कोमास का आपको मैंने बताया था, लैक्स लैक्स की डिजिट्स के बाद कोमास लगा दो, थाउजेंड थाउजेंड के बाद कोमास लगा दो, 10,000 का पेयर बना दिया, लैख 10 लैख लैख का पेयर बना दिया, और लास्ट के 3 का हमने पेयर्स बना दिया। ये था आपका ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है 9 करोड़ 5 लाख
41। अब क्रोड्स हमने काउंट करना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर लैक, फिर 10 लैक, फिर करोड़। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अभी 9 करोड़, अब 9 करोड़ के नीचे 9 करोड़। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं, 9 करोड़, 5 लाख। अब 10 लाख का कोई उसमें नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम, जीरो, खाली लाख पे है, 5,41,000, बस लास्ट वाली डिजिट्स है 41। ओके, लास्ट वाली 41 बोला है उन्होंने, तो बीच में क्या आ जाएंगी हमारी, जीरो। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखो, करोड़ अकेला है, 10 करोड़ नहीं है, तो करोड़ क्या है, सिंगल है, तो इसके यहाँ कोमाज लगाओ। अभी इसका पेयर किसका बनेगा, 10 लाख का और लाख का, उसके बाद फिर 1,000, 10,000 का, फिर 100, ये लास्ट 3 का। ओके, नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है सेम, 7 करोड़। अब करोड़ के नीचे क्या आ जाएगा, 7, करोड़ के नीचे क्या आ जाएगा, 7, 7 करोड़, 52 लाख, 52 लाख, 5 इसके नीचे, 10 लाख के नीचे 5 और 2 लाख के, 52 लाख, 21,000, 22,000 के नीचे 1, 21,000। ओके, नेक्स्ट है 302, उसके बाद टेंस मिसिंग है, 302। ओके, अब कोमाज लगाएंगे, सो सिंपल। नेक्स्ट क्या, करोड़, करोड़ को हमने अकेला निकाल दिया, पेयर बना दिया, अब ये लैक का पेयर बन जाएगा एक, उसके बाद 1,000 का पेयर बन जाएगा और लास्ट 3 का पेयर बन जाएगा। ये हमारा सी पार्ट था। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट है 58 मिलियन। अब ये हमारा क्या चल रहा था, हमारा इंडियन सिस्टम चल रहा था, अब हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हमने राइट किया था, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, अब हमें देखना है इसमें क्या है, 58 मिलियन। अब देखो मिलियन है तो 10 मिलियन आया ना, 58 मिलियन 400, नेक्स्ट है 423,000, 2,000, 2,000, 2। अब टेंस मिसिंग है, 200 के बाद क्या है, डायरेक्ट 2। अगर 32 या 22 होता तो यहाँ पे डिजिट्स आती, बट उन्होंने क्या 100 के बाद सीधा क्या किया, 202, तो लास्ट में वंस पे है 2 ओनली, अगर क्योंकि 2 क्या है, सिंगल डिजिट्स है हमारी। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट है तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट। ओके, 23 लाख। अब फिर अगेन इंडियन सिस्टम, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, सॉरी
सॉरी सर, ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, हमें किस में राइट करना है? इंडियन सिस्टम में। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर लैख, फिर टेन लैख, फिर क्रोड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये पार्ट में है 23 लैख, सो सिंपल, 23 लैख, 30,000, 30,000, 30,000 के नीचे हमने राइट कर दिया 30 को। नेक्स्ट है ओनली 10, आपने देखो 10 में 2 डिजिट्स हैं, 10, टेंस, 10 मीन्स टेंस, जो लास्ट वाली है 10, वो हमने राइट कर दिया। 100 क्या कर दिया उन्होंने, मिसिंग कर दिया, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे, 0 लगाएंगे, ओके। अब इसमें देखो कोमाज लगाने आपको, सो सिंपल है, लैक का हम पेयर बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, थाउजेंड का हम पेयर बनाएंगे, और इन तीनों का एक पेयर बन गया। अब इसमें भी सेम, डी पार्ट में भी देखो हम इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, ओके। अब देखो मिलियन का पेयर बनाएंगे, 100 मिलियन नहीं है तो 10 मिलियन और मिलियन का पेयर बन जाएगा, और इसके बाद ये 1000 का पेयर बन जाएगा, और ये 202 का एक पेयर बन जाएगा, ओके। ये हमारा था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3, इंसर्ट कोमास सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमास लगाने हैं, ओके। ए पार्ट है 8, 7, 5, 9, 5, 7, 6, 2, ओके। अब जल्दी से, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर लैख, फिर 10 लैख, और फिर क्रोड। अब क्रोड का अलग पेयर बन गया, लैख का और 10 लैख का अलग पेयर बन गया, 1000 का अलग पेयर बन गया, लास्ट 3 का अलग पेयर बन गया, ओके। देखो क्रोड का अलग पेयर, फिर 1000 का अलग पेयर, और लैख और 10 लैख का अलग पेयर, और लास्ट वाले 100 और टेंस और वंस का अलग पेयर। अब बी पार्ट में देखेंगे हम ध्यान से, 8, 5, 4, 6, 2, 8, 3। अब काउंट आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बस वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख और 10 लैख। अब 10 लैख का एक पेयर बन गया, 1000 का एक पेयर बन गया, और लास्ट 3 का एक पेयर बन गया, ओके। सी पार्ट, ट्रिपल नाइन, 1, 2, 3, 4, 6। अब अगेन जल्दी से आपने काउंट आपने उसमें करना है, आपने बार बार राइट नहीं करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, क्रोड, ओके। क्रोड का एक ही पेयर है, 10 करोड़ नहीं है, तो क्रोड का एक पेयर बना देंगे हम, उसके बाद लैक और 10 लैक और लैक का एक पेयर बना देंगे हम, 1000 और 10,000 का एक पेयर बनाएंगे, और लास्ट 3 का एक पेयर बन जाएगा, ओके। डी पार्ट है हमारा 9, 8, 4, 3, 2, 7, 0, 1। आप जल्दी से वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, क्रोड, सीधा क्रोड का वन पेयर, 84 का वन पेयर, 84 लैख का अलग पेयर, 32,000 का अलग पेयर, और इन तीनों का अलग पेयर हो गया लास्ट में, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन 4, इंसर्ट कोमास सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब ये हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोमास राइट करने हैं,
हमने ऊपर किए थे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब यहां पे करने हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ओके इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने कोमाज राइट करने हैं। ओके ए पार्ट देखते हैं, ए पार्ट क्या है, ए पार्ट है 7892109 2। अब मैं एक बार राइट करूंगा, उसके बाद आपने राइट नहीं करना है। ओके नहीं तो आदत आपको राइट करने की वो हो जाएगी। अब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड नेक्स्ट 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 10 मिलियन, उसके बाद क्या आता 100 मिलियन। अब मिलियन का एक पेयर बनाएं, मिलियन का यहाँ तक कोमाज लगाएं। अब जो 100 जो 1000 10,000 100,000 का तीनों का एक पेयर बनाएं, उसके बाद कोमा आएगा एंड लास्ट वाले अलग तीन अलग पेयर हो गया। ओके अब नेक्स्ट है आपका सेम बी पार्ट। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या है 7452283। जल्दी से आपको वो करना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन, मिलियन के बाद सेवन के बाद क्या है मिलियन लगाएंगे, मिलियन के बाद लगाएंगे फिर थ्री का पेयर बन जाएगा, 1000 10,000 100,000 का एक पेयर बन जाएगा और इनका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है नेक्स्ट है सी पॉइंट। सी पॉइंट में देखो क्या है 999851 02। अब जल्दी से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। अब मिलियन की जो फैमिली है उसको अलग निकाल दो, फिर थाउजेंड की जो फैमिली है उसको अलग निकाल दो और लास्ट में क्या रह गया 102। अब डी पे लास्ट पॉइंट है, ध्यान से समझना बिल्कुल, 4804 9831। ओके अब सेम वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 10 मिलियन। अब ये मिलियंस का मिलियंस की एक फैमिली होगी अलग, फिर 1000 10,000 और 100,000 की एक अलग से एक फैमिली होगी, इसके बाद कोमास लगाएंगे और लास्ट की थ्री ये बच गई है। ओके ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे चैनल एलिट ई क्लासेस पे कमेंट्स करके कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको ये हमारा पसंद आया तो आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके थैंक यू सो मच।